नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेदिक जानकारी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयुर्वेदिक दवाई आरोग्य वर्धिनी वटी के बारे में। इसका दोस्तों कई प्रकार के बेनिफिट आप पा सकते हैं। पेट के रोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये उपयोगी होता है। ये एक ऐसा रसायन होता है जो पाचन तंत्र संबंधी को विकारों को ठीक करने में बहुत ज़्यादा सहायता करता है और बिना किसी नुकसान को ये आपको फ़ायदा प्रदान करता है। ये मेरे पास वैद्यनाथ फार्मा की है दोस्तों। आपको ये पतंजलि, वैद्यनाथ जैसी कई ब्रांडेड कंपनी के मिल जाती है। 130 रुपये MRP में आती है दोस्तों वैद्यनाथ की, और 80 टैबलेट इसमें देखने को मिल जाती है, जो कि लगभग एक महीने की दवाई तक हो जाती है अगर आपकी समस्या कम है तो, या फिर आप जिस हिसाब से इसकी डोज लेते हैं। तो बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो इसमें आपका होता है शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, एरंडमूल, नीम, ताम्रभस्म, हरीतकी, आमलकी, शिलाजीत, कुटकी, गुगलू, चेत्रक, अभ्रक भस्म जैसे इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो पेट के रोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होते हैं। जानते हैं इसके उपयोग के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में। तो शरीर में कमजोरी के लिए उपयोग कर सकते हैं, अपच रोग की परेशानी है, लीवर रोग है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है, मोटापा कम करने में, कब्ज वगैरह रहती है, स्किन रैशेस वगैरह या फिर स्किन के रोगों में अम्लपित्त हो जाते हैं, आंतों की सफाई करता है यानी पेट साफ वगैरह भी रखता है, सूजन वगैरह हो जाती है पेट में जैसे कि आपका लीवर में, गुर्दे में, गर्भाशय में, हार्ट डिजीज़ में भी उपयोगी साबित होता है, मूत्र रोग में उपयोग कर सकते हैं जैसे मूत्र में जलन हो जाती है, बार बार पेशाब आना या फिर पीला पेशाब आना, किसी भी तरह के मूत्र रोग में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। रक्त विकार के लिए उपयोगी होता है दोस्तों, ब्लड प्योरीफायर भी है, गैस होगी, खट्टे डकार आते हैं, खाना पाचन नहीं होता है, बार बार लैट्रिन जाते हैं यानी खाना खाने के तुरंत बार 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 लैट्रिन होती है, एनीमिया हो जाता है, बदहजमी होती है, बुखार वगैरह चढ़ा रहता है, ज्वाइंटिस यानी पीलिया हो जाता है, हेपेटाइटिस रोग हो जाता है। तो आरोग्य वर्धिनी वटी सभी प्रकार के पेट के रोगों में बहुत ज़्यादा लाभमंद होती है। इसका सेवन विधि क्या होता है दोस्तों, एक गोली सुबह एक गोली शाम को पानी के साथ खाना खाने के बाद इसका सेवन कर सकते हैं या दूध के साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसको दोस्तों हमेशा इसी डोज पे लीजिएगा जितने आपको आपका चिकित्सक आपको परामर्श ले, एक एक डोज या फिर शुरू में यही लेनी चाहिए। जब आपकी प्रॉब्लम कम हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा है तो दो गोली भी इसको लिया जा सकता है। इसका कोई भी नुकसान नहीं है, बिना किसी नुकसान के आप आरोग्य वर्धिनी वटी को उपयोग कर सकते हैं। हालांकि ओवरडोज लेने पर कुछ नुकसान देखने को मिल सकते हैं क्योंकि इसमें सारे कई प्रकार के भस्म का मौजूद होता है, तो इसीलिए एक बार डॉक्टर से ज़रूर परामर्श लीजिएगा। वैसे आपको इसका बिना डॉक्टर के भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। कुछ मिस हो गया तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।